अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हैबिटेट के बारे में, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की नेचर क्या है हैबिटेट के रिस्पेक्ट्स के लिहाज से। आज हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स यानी इनवर्टिब्रेट्स, स्टार्ट से इनिशियल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट करना है और हमने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। तो एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सिंपल नंबर वन पे आ जाता है हाइड्रा। हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम ले लें तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, प्लस ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी हैबिटेट फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर, प्लस ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ये इतना सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टू लेयर्स हैं। नंबर वन एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये दो लेयर्स हैं, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह होता है। ये तो बहुत सिंपल है, तो इसकी सबसे पहले हम बेसिक सी डायग्राम देख लेते हैं हाइड्रा की। यूं वेज लाइक होता है ये, वेज लाइक यानी एक गुलतान की तरह इसकी शेप होती है, प्लस यहां पे इसके टेंटिकल्स होते हैं। सो और इसके अंदर यूं इसकी एक और कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। अब हम देखते हैं ये आउटसाइड जो आपको नजर आ रही है ये एक्टोडर्म है और ये नीचे अंदर जो है ये एंडोडर्म है। क्लियर? अब होता क्या है, ये इतना सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है कि इसके पास कोई खास किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं हो सकता। सो इसके अंदर अब हमने बात की है ये एक्वेटिक है। क्लियर? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है यानी पानी में रहता है, तो इसका एनवायरनमेंट कौन सा होगा? इसका एनवायरनमेंट होगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में यह रहता है। अब तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जो वेस्ट बनते हैं, सपोज इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? डेफिनेटली अमोनिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्सेट्रा, यही वेस्ट होंगे। तो ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये इसकी बॉडी से आउटसाइड डिफ्यूज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो हम इसमें क्या रिजल्ट देखते हैं कि हाइड्रा हैव no specialized excretory system। तो इसमें excretion किसकी वजह से होती है? इसमें excretion होती है due to diffusion। ये जो इसके अंदर waste बना है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये डिफ्यूज हो गया है। हमने पहले भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो अब ये हमने इसकी बात कर दी है, ये एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में रहता है, पोंड्स, लेक्स एक्सेट्रा, तो इसके पास वाटर एफिशेंटली है, बहुत ज़्यादा वाटर है इसको, तो इसको अमोनिया बाहर डिफ्यूज आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से इसमें एक्सक्रीशन कैसे होती है? बाय डिफ्यूजन।
यहां तक ये हाइड्रा का हमारे पास कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट जो हमने देखना है रिप्रेजेंटेटिव एनिमल उसकी बात हम करते हैं, वो है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर पे आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आने का इसका चांस होता है। इसमें देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे जैसे हमने पहले हाइड्रा का इंट्रोडक्शन देखा है। प्लेनेरिया जो है ये फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस से बिलोंग करता है। इसको कॉमनली हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं, इसको हम कॉमनली फ्लैटवर्म भी कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी फ्लैट होती है, बिल्कुल चिपटी हुई होती है, इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए ये एसिलोमेट भी है, सिलोम नहीं होती, इसलिए इसकी बॉडी फ्लैट होती है, तो इसे फ्लैटवर्म कहते हैं। अब सेम अगर इसकी बात करें, जो प्लेनेरिया है ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसकी हैबिटेट फ्रेश वाटर, क्लियर। लेकिन ये थोड़ा सा हाइड्रा से एडवांस है, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें थ्री लेयर्स हैं, थ्री जर्मिनल लेयर्स, नंबर वन एक्टोडर्म, नंबर टू मेसोडर्म, नंबर थ्री एंडोडर्म, क्लियर। अब जो प्लेनेरिया है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है एक ट्यूबुलर ब्रांच्ड, ट्यूबुलर सिस्टम यानी ट्यूब्स पे, ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया, प्रोटो नेफ्रिडिया, क्लियर। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट होता है, ब्रांचिंग पे कंसिस्ट होता है, जिसे हम प्रोटो नेफ्रिडिया कहते हैं, अंडरस्टैंड। प्रोटो नेफ्रिडिया इसलिए, अब हमारे अंदर हमने जैसे प्लेनेरिया से स्टार्ट करना है तो हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाना है, तो सबसे पहले नेफ्रॉन की जो सबसे पहली फॉर्म है उसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद मालपेजियन ट्यूब्यूल आई एक्सक्रीटरी सिस्टम में, फिर उसके बाद प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद मेटानेफ्रीडिया आया, मेटानेफ्रीडिया के बाद मालपेजियन ट्यूब्यूल्स आए, फिर आके नेफ्रॉन यानी किडनी। तो इनको हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ये एक्चुअली एवोल्यूशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो प्रोटोनेफ्रीडिया आ गया, अब हम ये देखना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि जो प्लेनेरिया है उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया कैसा होता है, सिस्टम ब्रांचिंग कैसा होता है। अब यहां पे मैं इसकी डायग्राम प्लेनेरिया की अगर ड्रॉ करूं तो इसको हम देखते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लेनेरिया की डायग्राम, इस तरह से कुछ सिंपल सी हम डायग्राम इसकी ड्रॉ करते हैं, ये इसके आइस पार्ट होते हैं। अब यहां पे इसकी जो है ये ट्यूब्यूल्स होंगी, क्लियर। ये इस तरफ से यहां से इसका माउथ ओपन होता है, ये ट्यूब्यूल इस माउथ में खुलती हैं, और यहां से सेम दो ट्यूब्यूल्स बैक साइड की तरफ जाती हैं, यूं सेम यहां से, सेम यहां से भी,
ये इस तरह का बेसिक साइज का स्ट्रक्चर होता है। अब यहां से ये भी कुछ इस तरह से ट्यूब्यूल्स की होती हैं, बहुत बेसिक सी और सिंपल सी डायग्राम है ये। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब ये प्लेनेरिया के अंदर हमने देखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता कौन सा है। अब इसकी जो हर ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल जो नजर आ रही है, दिस इज कैप्ड बाय सम स्पेशल सेलुलर सेटअप। ये फर्दर कैप्ड होती है, इसके ऊपर कैप हुई होती है। क्लियर? सेम इस तरफ, यहां पे भी इस तरह कैप्ड बाय स्पेशल सेलुलर सेटअप। इसको हम सेलुलर सेटअप को हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। अंडरस्टैंड? अब ये जो प्लेनेरिया का ये सारा बॉडी का हिस्सा है, ये जो कैविटी है, ये ब्रांचिंग ट्यूब्यूल के अलावा इसके दरमियान जो ये कैविटी है, इसको हम कह देते हैं बॉडी कैविटी। क्लियर? या सिलोम कह देते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसे हम बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं, हैविंग बॉडी फ्लूइड। अंडरस्टैंड? अब ये जो फ्लेम सेल है, इसको थोड़ा सा हम मैग्निफाई कर देते हैं। इस फ्लेम सेल को या इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं थोड़ा सा मैग्निफाई करके इधर बना देता हूं। ये जरा गौर से देखिए, बहुत आसान है। सपोज ये ब्रांच है, ये एक ट्यूब्यूलर ब्रांच है, इसके यहां से ये इसके ऊपर यू फ्लेम सेल ओपन कैप्ड ओवर, इस तरह से ये फ्लेम सेल, यही ब्रांच है, हमने इस तरह बना दिया। अब फ्लेम सेल का जो स्ट्रक्चर है, यहां पे इसका होता है न्यूक्लियस, दिस विल इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इसके यहां पे सीलिया, सीलिया मौजूद होते हैं, ये सीलिएटेड होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके गिर्द बाहर क्या है? सारा प्लेनेरिया की बॉडी कैविटी है। अंडरस्टैंड? इस बॉडी कैविटी के अंदर क्या है जी? इस बॉडी कैविटी के अंदर बॉडी फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। अब ये जो फ्लेम सेल हमने बनाया है, ये फ्लेम सेल है, इस फ्लेम सेल में छोटे 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 पोर्स होते हैं। इन पोर्स के जरिए क्या होता है, ये फ्लूइड अंदर चला जाता है। ये फ्लेम सेल के अंदर सीलिया ऐसे कैंडल के फ्लेम की तरह बीट करते रहते हैं, हर वक्त बीट करते रहते हैं। इसी मुनासबत से इसको फ्लेम सेल कहा गया। मोमबत्ती का जो शोला होता है, उसकी वजह से उसी की तरह इस तरह बीट करते रहते हैं, तो इस वजह से इसको फ्लेम सेल कहा गया। अब सीलिया की बीटिंग की वजह से ये फ्लूइड क्या होगा, बॉडी फ्लूइड में से जो वेस्ट वगैरह जितने भी होंगे, वो सारे निकल के किधर आ जाएंगे? फ्लेम सेल के अंदर। अंडरस्टैंड? सारे वेस्ट किधर आ जाएंगे? फ्लेम सेल के अंदर, फ्लेम सेल के अंदर सारे वेस्ट आ जाएंगे। अब होगा क्या, फिर फ्लेम सेल इन सारे वेस्ट को प्रोपेल करेगा किधर? इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सारा वेस्ट आ गया। अब ये वेस्ट जितना भी है, ये सारे का सारा वेस्ट इस माउथ के जरिए, ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर चला जाएगा। अंडरस्टैंड? इसमें वेस्ट में होगा क्या? नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जाहिर सी बात है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर? अमोनिया वगैरह होगा। अंडरस्टैंड? फिर से इसको जरा देखिएगा, मैंने यहां पे बात की, ये जितना भी आपको ट्यूब्यूल ब्लैक वाला पोर्शन ट्यूब्यूल्स का नजर आ रहा है, इस सारे के सारे पोर्शन को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। अंडरस्टैंड? प्रोटोनेफ्रिडिया होता क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर हम बात करें, तो प्रोटोनेफ्रिडिया इट इज दी ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग। इसकी अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं, यानी ये देखें, अगर इसकी ओपनिंग है तो वो सिर्फ बॉडी के बाहर जाती है, बाहर की तरफ, आउटसाइड ओपनिंग है, अंदर कोई ओपनिंग नहीं। अगर अंदर ओपनिंग होती, इंटरनल ओपनिंग होती, तो फिर सीलिया जो भी वेस्ट कलेक्ट करते, वो सारे दोबारा बॉडी कैविटी में ही फेंक देते। अंडरस्टैंड? इसलिए इट हैव नो इंटरनल
ओपनिंग. सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया. ये इसकी बेसिक सी डायग्राम है. इसमें से हर प्रोटोनेफ्रीडिया की जो ब्रांच है दिस इज कैप्ड बाय स्पेशल सेलुलर सेटअप. फ्लेम सेल क्या होता है? द ईच ब्रांच ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया यानी फ्रीडियम कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप. सेलुलर सेटअप से कैप हुई होती है. जिस सेलुलर सेटअप को हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल. अब ये फ्लेम सेल को हमने यहां पे मैग्नीफाई करके बनाया है. अंडरस्टैंड? ये ब्रांच है सपोज, तो उसके ऊपर ये जो हमने कैप्ड बनाई है ये क्या है? फ्लेम सेल. तो फ्लेम सेल में आपने देखा है इसके अंदर पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स. उन पोर्स के जरिए क्या होता है, जितना भी वेस्ट है ना बॉडी कैविटी, ये बॉडी फ्लूइड है ना ब्लैक वाला जो मैंने डॉटेड से बनाया, इसमें से सारा जो वेस्ट है वो किधर चला जाता है? डिफ्यूज हो जाता है फ्लेम सेल के अंदर. कैसे? सीलिया के बीट करने से. अंडरस्टैंड? जब फ्लूइड उसके अंदर चला जाता है फिर यहां से फ्लूइड सारा इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके और इधर से इस माउथ की ओपनिंग से बाहर चला जाता है. तो ये सिंपल सा प्रोसेस है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया. आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के बारे में, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड एक्सक्रीशन इन कॉकरोच. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.